हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ द वैदिक विद्यालय। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वार वन के बारे में। वर्ल्ड वार वन को द ग्रेट वॉर भी कहते हैं। तो इसकी शुरुआत जुलाई 1914 से लेकर तथा इसका अंत 11 नवंबर 1918 को हुआ था। इसमें तकरीबन 1,70,00,000 लोग मारे गए थे तथा पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ था। तो आज हम जानेंगे इसके कारण क्या थे। तो इसके कोई एक कारण नहीं था, इसके बहुत सारे कारण थे जो कि एक साथ मिलकर इतने बड़े युद्ध का आगाज हुआ, लेकिन हमें से कुछ प्रमुख कारण जानेंगे। तो इसका पहला कारण था स्लेविया पीपल, जो कि बोस्निया और हेरेगोविना के लोग थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रप्रेम का उदय। क्योंकि जो बोस्निया और हेरेगोविना शहर था, ये दोनों ऑस्ट्रिया और हंगरी के हिस्से थे, लेकिन यह उसे अपना हिस्सा नहीं मानते थे, इसलिए यह सर्बिया में मिलना चाहते थे। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद यूरोपियन कंट्री जो अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे, यह इसके दूसरे कारण की तरफ ले चलता था, जिसमें सर्बिया के एक नेशनलिस्ट ग्रुप जो कि ब्लैक हैंड था, उन्होंने एक छोटी सी टुकड़ी भेजी जो कि ऑस्ट्रिया के एक प्रमुख व्यक्ति आर्कड्यूक को मारने के लिए, लेकिन वहाँ फेल हो गए। इसके बाद गैब्रिलो प्रिंसिप ने इस आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड को मार दिया। इसके साथ उन्होंने उसकी पत्नी और उसके बेटे को भी मार दिया। 28 जून 1914 को उन्होंने आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड और उसकी पत्नी और उसके बेटे को मार दिया, जो इसके तीसरे कारण की तरफ ले चलता है। तो तीसरा कारण है इम्पीरियलिज्म, जिसका मतलब होता है यदि कोई देश ताकतवर हो जाता है तो वह अपनी शक्ति और बढ़ाना चाहता है तथा पैसे बढ़ाना चाहता है, जो कि सिर्फ दूसरे पर कब्जा करके ही हो सकता है। तो प्रत्येक कंट्री अपने आप अपना साम्राज्य बड़ा करना चाहते थे। और इसका चौथा कारण था मिलिट्रिज्म। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सैनिकों की होड़ लग गई थी, सभी साम्राज्य अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगे थे तथा सभी अपने सैनिक बल दिखाते थे, जबकि जर्मनी यहाँ का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसके बाद इनमें मिलिट्री बढ़ाने की होड़ सी लग गई। और यहाँ से कहानी की असली शुरुआत होती है। जब आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की मृत्यु हुई थी, तो उसी दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर आक्रमण बोल दिया था, जो उसी दिन 28 जुलाई 1914 का हुआ था, जो कि इसके पांचवें कारण की तरफ ले जाता है। तो पांचवा कारण था म्यूचुअल डिफेंस अलायंस, जिसके अंतर्गत यदि किसी यूरोपियन कंट्री का कोई म्यूचुअल दोस्त है तो अगर एक कंट्री पर कोई हमला करेगा तो दूसरी कंट्री को उसे अपने सैनिक बल से उसे बचाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे अलाइड कंट्री या म्यूचुअल कंट्री थे जो आपस में एक दूसरे की रक्षा करते थे, जिनमें से कुछ प्रमुख रसिया सर्बिया है। तो जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया था, रसिया ने भी उसी दिन ऑस्ट्रिया पर हमला करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद जर्मनी ने रसिया पर आक्रमण करने का ऐलान कर दिया और जर्मनी ने फ्रांस पर भी आक्रमण करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि जो फ्रांस था वह रसिया का म्यूचुअल दोस्त था। जिसके बाद 4 अगस्त 1914 को जर्मनी ने बेल्जियम के अंदर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह फ्रांस तक जाना चाहता था और फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक छोटा सा देश बेल्जियम आता था। जिसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, जिसका म्यूचुअल फ्रेंड बेल्जियम और फ्रांस दोनों थे, उन्होंने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। तो यहाँ से एक जंग की होड़ सी लग गई तथा 6 अगस्त 1914 को ऑस्ट्रिया ने रसिया पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने भी ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। यह 12 अगस्त 1914 को हुआ था, जिसके बाद एक बड़ी जंग छिड़ गई, सभी देश एक दूसरे से लड़ने लगे। लेकिन इसका शुरुआती कारण वही दो शहर बेरसोनिया और हर्जेगोविना है, जो दो छोटे शहर के लिए इतना विशाल युद्ध हो गया कि इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो गई तथा पूरी दुनिया दो रूप में बट गई। पहला था एलाइड पावर, जो कि ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया थे, जिसमें बाद में यूएसए भी आकर मिल गया था। दूसरा है सेंट्रल पावर,
जो कि टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जापान की हैं। थैंक्स।